देखो, अगर मैंने बोला कि आपको पानी तो पीते होगे ना, तो पानी का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है? मतलब कहने का ये हुआ कि आखिरकार ये अलग अलग एटम था, अलग अलग एटम मिलकर एक आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ? अगर दोनों को तोड़ दिया जाए, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा ऑक्सीजन, तो क्या दोनों मिलकर पानी बना पाएगा? दोनों अलग पानी नहीं बना पाएगा। पानी कब है? जब दोनों कैसे है? साथ में। दो दोस्त आखिरकार मजबूत कब है? जब दोनों, अगर उनको तोड़ना है, अगर उनको दोस्ती खत्म करना, तो क्या बॉन्ड को तोड़ दो, अपने आप पावर कैसा हो जाएगा? वीक। अगर उनको पीटना है तो क्या करना पड़ेगा उनको, बॉन्ड को? पहले द सेम वे, पानी खत्म करना था, बॉन्ड क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा ना। तो हमें क्या करना है कि मैं देखना है भाई, आखिरकार ये दोस्ती जो इसके बीच में है, गिव एंड टेक कैसे हुआ, कौन कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, कौन कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। क्लियर? तो मैं बोलूंगा कि ऐसा दोस्ती हुआ है। देखो, अब हाइड्रोजन की वेट की बात करें, एक हाइड्रोजन होता है 1 ग्राम का। देखो, जनरली होता है 1.01 ग्राम। कितना होता है? 1.01, बट हम लोग 1 लेकर चलेंगे। कितना लेकर चलेंगे? 1। ऑक्सीजन होता है आपका 16 ग्राम का। कितने ग्राम का? बात समझो, एक हाइड्रोजन होता है 1 ग्राम का, तो दो हाइड्रोजन कितने ग्राम का? ऑक्सीजन कितने ग्राम का? एक एक होता है 60। देख, यहां देखिए ना, कितना है? 2:2। जनरल रेशियो, एक स्टैंडर्ड रेशियो कितना आ गया? 1:2। इसका मतलब ये हुआ, जब हाइड्रोजन का 1 ग्राम ऑक्सीजन के 8 ग्राम से कंबाइन करेगा तो वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। कभी भी आपका ये पॉसिबल नहीं कि 1:9, ठीक है, ये 1:7, ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा कितना होना चाहिए? 1:2, या फिर बोलेंगे 2:2, 3:2, 4:2, 5:2, ये सब चलेगा, बट ये कभी पॉसिबल। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। किस प्रोपोर्शन में दो एटम आपस में मिलकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किए हैं, इसको ऐसे देख सकते हैं ना। अगर तुम चाहो तो नंबर एलिमेंट कितना, मैं बोलूं, बताओ हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। क्या हो गया? 2:2:1 हो गया। आए बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ पे? नेक्स्ट पार्ट क्या है कि आपको वेट निकालने आना चाहिए, किसी कंपाउंड का, किसी एटम का वेट आपको याद होना चाहिए। सुनो, अगर मैंने बोला कि मान लो कोई आपका एक केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन का मतलब समझ गए ना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है। क्लियर ना? अगर मैंने बोला कि H2+O2 गिव्स आउट H2, ठीक है, बात समझना, 2H2+O2 गिव्स आउट 2H2, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं लेफ्ट वाले को बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं लेफ्ट वाले को? एंड राइट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। राइट वाले क्या बोलते हैं? ये आपका 100% प्रूफ है कि मास हमेशा होता है कंजर्व। मास क्या होता है हमेशा? जितना मास होगा लेफ्ट में उतना ही मास होगा, जितना मास लेफ्ट में उतना ही मास क्या होगा? अब इसको करने के लिए समझना पड़ेगा रिएक्टेंट का मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मास है कि नहीं है। अब ये करने के लिए क्या करना है, हमें दोनों के मास को ऐड करना है और चेक करना है। देखो बात समझना सब बच्चे, थोड़ा मोड़ा एक बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं आपको। अगर मैंने बोला हाइड्रोजन 1 ग्राम का है, सब बच्चे बोलना H2 कितने ग्राम का होगा? कितने ग्राम का होगा? ऑक्सीजन 16 ग्राम का। कितने का है? तो मैंने बोला H2O कितने ग्राम का, लिखने का तरीका पहले देख लूं। ऐसे करना है, दो बोलेंगे 2 × हाइड्रोजन + ऑक्सीजन, 1 × ऑक्सीजन हो गया। लिख लिया यहां पे कितना, ऐसे बोलना है 2 हाइड्रोजन + 1 ऑक्सीजन। जब भी आपको वेट निकालना हो, हर एटम को अलग अलग करके ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड। तो बोलो यहां पे 1 हाइड्रोजन 1 ग्राम का 2 × 1 हो गया, प्लस 1 × 16 हो गया, पूरा कितना हो गया? 18 ग्राम। कितना हो गया? चमका गया सबको। चलो बताओ, ये बताओ सब बच्चे कि ये 2 हाइड्रोजन है। अच्छा एक बात और समझ लेना, अगर मैंने बोला है 2H2, मैंने क्या बोला है? इसका मतलब ये आपका है कि H2 2 ग्राम का तो है ही, 2 फिर से मल्टीप्लाई हो गया, ये कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमेशा बाहर मल्टीप्लाई। तो 2 ग्राम का आपका हाइड्रोजन था, 2 × 2 कितना हो गया? पूरा 4। बताओ कितना हो गया? 4 ग्राम हो गया क्या? अच्छा बताओ, 1 ऑक्सीजन कितने ग्राम का होता है? तो 2 ऑक्सीजन कितने ग्राम का हो जाएगा? 32। तो लेफ्ट साइड में कितना है पूरा? कितना है पूरा? राइट में कितना आना चाहिए पूरा? देख ले क्या? देखो ये 2 तो बाहर मल्टीप्लाई है पहले, बोलो कोई दिक्कत? बोलो, 2 हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 ग्राम। 1 ऑक्सीजन कितना हो गया? 16 + 2 कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18 × 2 = 18। क्या दोनों बराबर है क्या? सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब रिएक्टेंट का मास इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। वो कभी चेंज नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन उठा कर ले आओ, अगर मास बराबर नहीं है तो उसको बोलते हैं बैलेंस करना। उस मास को पहले बैलेंस करेंगे,
फिर चेक करेंगे आपका कि मास इक्वल है कि नहीं। बैलेंसिंग की जरूरत कब पड़ती है? जब मास दोनों बराबर ना हो, रिएक्टेंट का मास डिफरेंट हो जाए प्रोडक्ट के मास से, क्या करना पड़ेगा वहां पे हम लोग को? बैलेंसिंग करना, क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। जम गए यहां तक? डाउट किसी बच्चों के यहां पे? आगे बढ़े, चलो जी दोबारा आते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और बचा जॉन डाल्टन के बारे में, देख लो सुन लो। कल आपको जॉन डाल्टन के बारे में बहुत कुछ बताए थे, उन्हें एटम के ऊपर बहुत सारे बातें बताई थी हम लोगों को, ठीक है, और उनका बहुत बड़ा योगदान है एटम को लेकर उनके पास, क्योंकि उस टाइम में बहुत कम लोग को पता था कि एटम के अंदर स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले शुरुआत डाल्टन ने ही की थी, बताना स्टार्ट किए थे कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि एटम जो है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। एटम्स कैसे बना हुआ है? छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। एंड बोले एटम्स आर इनडिविजिबल, एटम काट के अलग नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, एटम काट के अलग नहीं कर सकते। और बोला कि एटम जब भी कंबाइन होगा कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमेशा कंबाइन होगा। आप जैसे आपको हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं बुक से जो बातें उनकी है, एग्जैक्टली एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन तो आता है हमेशा, 5 मार्क्स का आता है। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या नॉलेज पॉइंट से व्यू देखें तो ये चीज आपको 5-6 का 6 पॉइंट याद होना चाहिए, 5 मार्क्स का आता है हमेशा, ये फिक्स है आपका एग्जाम में आना ही आना, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले क्या बोला था मैंने, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, जितने भी सब्सटेंस मैटर है कैसे बने हुए, सब छोटे पार्टिकल टाइनी पार्टिकल से बने हुए। सेकंड क्या है, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, और उसको अलग से बांट नहीं सकते हैं। नाउ एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। बोल रहा कि अगर किसी का केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करना हो तो उसका मास हमेशा चेंज कभी नहीं करेगा, हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, देखो क्लोरीन का मास कितना है 35.5 और सोडियम का मास कितना है 23, डिफरेंट एलिमेंट का मास भी क्या हो जाएगा, वो कभी सेम, याद रखना एटम अगर डिफरेंट हो गया तो मास भी। ये उनका कुछ अपना पोस्टुलेशन है, जो पोस्टुलेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है, बाकी इसको देख लेना आराम से, ये पोस्टुलेशन को 100% तरीके से पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन कर लेते हैं, इन द रिएक्शन बोला एक रिएक्शन हुआ है, बात समझना, केमिकल रिएक्शन हुआ है। रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट है रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ इतने एसिड। आपको इससे मतलब बस ये चेक करो कितने पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट एंड क्या होता है प्रोडक्ट, ये होता है ना। मैंने क्या बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अकॉर्डिंग जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास होगा ना। आप ये चेक करो रिएक्टेंट मास पूरा कितना होगा, चेक करो तो क्या ये दोनों रिएक्टेंट के अंदर आ रहे हैं, चेक करो तो रिएक्शन सोडियम एंड आपका सोडियम कार्बोनेट इथेनोइक एसिड से क्या किया, रिएक्ट किया है, तो दोनों का मास कितना हो गया 5.3 प्लस बोला सब बच्चे कितना है 6, पूरा कितना हो गया। अब राइट में चेक कर लेते हैं, बोला द प्रोडक्ट्स वर, प्रोडक्ट जो भी बना आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और सोडियम इथेनोइड बना, जो प्रोडक्ट बना और उसका मास कितना कितना, देखो तो 0.9 प्लस 2.2 प्लस 8.2, इसका पूरे का आंसर हो जाएगा 11.3। जितना मास रिएक्टेंट का होता ही मास, ये क्या डिफाइन कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास तो ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना, बस आपका मास का कंजर्वेशन मतलब जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। चमका कोई डाउट यहाँ किसी को? ठीक है, ये छोटी मोटी बातें थी जो थोड़ा सा टॉपिक छूट गया था कल हमारा, उसको मैंने क्लियर कर दिया अभी। अब डायरेक्टली हम आगे बढ़ते वहीं पे वैलेंसी पे, ठीक है, चलो दोबारा देखते हैं हम लोग। तो बताओ वैलेंसी मतलब क्या होता है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, तो क्या करेगा हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करके खुद को स्टेबल करने का ट्राई करेगा। ये कैसे पता चलेगा कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन हो तो। मैंने बोला था ना कि जब जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या होता है वैलेंसी। आप समझो बात को, इलेक्ट्रॉन लॉस रूल नंबर 1, इलेक्ट्रॉन लॉस कौन कौन करेगा, ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का 1 हो 2 हो 3 हो हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो 6 हो या 7 हो, 4 में दोनों पॉसिबिलिटी है, जितना 4 में आ भी सकता है 4 जा भी सकता है, क्लियर ना।
तो आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन लॉस अगर करना है तो उसके बाहर कितना होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक या दो या तीन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो क्या हो जाएगा, पांच या छह या सात। क्लियर ना, आया बात समझ में? कोई भी आइटम लेते हैं, मान लो मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड मैंने बोला, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12, कितना होता है बता, 2, 8 एंड इसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन, दो है, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन का, क्या करेगा हमेशा लॉस, कितना लॉस करेगा, ये बन जाएगा Mg2+, क्या बन जाएगा Mg, कोई दिक्कत? तो इस तरह से पता चलता है हम लोग कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। ये सब कुछ डिफाइन किसके ऊपर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी पे डिफाइन। क्लियर ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एक दो तीन चार है, एक दो तीन है, हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और पांच छह सात है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जिसके पास आठ है ना तो लॉस करेगा ना तो, वो पहले से स्टेबल है, आठ पूरा हो गया ना, तो ना तो लॉस करेगा नहीं गेन करेगा। चमका यहां तक किसी बच्चे को डाउट है कुछ भी तो पूछ लो मेरे से, किसी को भी। चलो सब बच्चे काम करो, एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ये क्या क्या लिखो बताते हैं, सुन लो। क्वेश्चन आपका है एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है, वैलेंसी लिखना है, और ये लिखना है कि उस पर चार्ज क्या आ सकता है। ठीक है, हम दो क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। पहला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है पहले एक ही होता है, ठीक है, हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक ही हुआ, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे वैलेंसी और यहाँ पे चार्ज, ये तीन आपको कॉलम बना के दे दिए। ठीक है, देखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक ही हो गया इसका, वैलेंसी भी एक ही होगा क्योंकि पहले ऑर्बिट में दो होना चाहिए ना, तो दो होना चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, तो चार्ज इसका या तो प्लस वन होगा या तो, दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर प्लस वन माइनस वन होता है इसको बोलते हैं हाइड्राइड, माइनस वन क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेशल केस याद रखना, और प्लस वन को बोलते हैं हम लोग प्रोटॉन, क्या बोलते हैं, सो व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोटॉन देख लेते हैं, तो फील करते हैं इसको। देखो हाइड्रोजन का बनाते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो कितना प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत यहां किसी बच्चे, बोलो क्या इसके पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है क्या, अरे बोलो yes, और न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, देखो न्यूट्रॉन निकालने का मतलब ये हुआ कि मास नंबर को एटम से माइनस करो, 1 माइनस 1 न्यूट्रॉन कितना है, अगर मैंने बोला H प्लस, ध्यान सुना, अगर मैंने बोला H, H प्लस का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, प्लस कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा गेन करेगा, लॉस करेगा, तो एक प्लस मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो जो इलेक्ट्रॉन जो भी लॉस कर दिया ना, जो इलेक्ट्रॉन था क्या किया उसको, इसके पास क्या बचा, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, इसलिए H प्लस को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटॉन, और H माइनस क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन, क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा याद करना है आपको, समझना है चीज़, कोई दिक्कत, ये लॉजिक बताओ, दिक्कत किसी को, हीलियम पे आते हैं, हीलियम का होता है 2 एंड 4 इसका मास, तो 2 इसका हो गया प्रोटॉन नंबर या इलेक्ट्रॉन नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 0, क्यों, हीलियम का पहले ही ऑर्बिट हुआ ना, 2 पूरा हो गया, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, माय मिस्टेक, सॉरी, कितना होगा, जितना होता है बाहर होता है इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अच्छा वैलेंसी कितना हो गया 0, इसको ने इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है ना, 2 पूरा कंप्लीट है इसके पास, कोई दिक्कत, चलो लिथियम पे आते हैं, लिथियम का होता है 3, 3 इसका प्रोटॉन नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ठीक है ना, ध्यान सुनो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 2 और 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1, तो अगर मैंने बोला कि अगर कोई एटम के पास 1, 2, 3 हो या 4 हो, उसके पास जितना होगा आपका वही आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही आपका वैलेंस, बोलते आपको ना 1, 2, 3, 4 हुआ तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही वैलेंसी होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो वैलेंसी भी कितना हो गया 1, तो लॉस कितना कर पाएगा, एक का ही ना, तो हो जाएगा +1 कैटायन बन जाएगा। चमका, नेक्स्ट बेरिलियम, बेरिलियम कितना होता है 4, तो पहले लिखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 2, तो बाहर वाले को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मैंने पहले बोला अगर 1, 2, 3, 4 हुआ ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उतना ही वैलेंसी होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1, 2, 3, 4 है तो वैलेंसी भी उतना ही है,
तो कितना हो गया, दो, ठीक है, वैलेंसी कितना हुआ, दो। तो दो अगर वैलेंसी है तो मैंने बताया आपको कि अगर, मैंने अभी अभी लिखवाया था आपको, अगर एक दो तीन या चार मान लो अगर ऐसे इसके पास है, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वो शो करेगा कि इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्या करेगा, लॉस करेगा ऑलवेज। तो किस कितना इसके पास है, दो, तो कितना बन जाएगा, प्लस टू। बोरॉन कितना हो गया, पांच, दो कॉमा, वैलेंसी लो कितना हो गया, वैलेंसी भी कितना हो गया, कितना हो गया, देखो एक दो तीन चार आया ना वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा सेम लिखा करो तीनों को सेम, पांच से स्टार्ट हुआ तो माइनस करना स्टार्ट करना, फिर क्या है कार्बन दो कॉमा चार, कोई दिक्कत, ये कितना हुआ, ये भी कितना हुआ, ये कितना हुआ, कोई दिक्कत, हाँ हो सकता है बट प्लस ही लिखते हैं कोई बात नहीं। फिर नाइट्रोजन क्या होता है, दो कॉमा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, पांच, वैलेंसी कितना हुआ, तीन, कितना हुआ, अब तीन वैलेंसी के पास है, इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करेगा, तीन, ये बता रहा क्या, तीन इससे क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लिया है, अभी बताया आपको ना, एक दो तीन चार हुआ तो प्लस भी लिखो लॉस करेगा, अब पांच छह सात हुआ तो माइनस भी लिखो, इसके लिए माइनस तीन, इसके लिए माइनस टू, और इसके लिए कोई दिक्कत, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच है तो कितना हो जाएगा, माइनस थ्री, कोई दिक्कत, तो बाकी आप लोग ऑक्सीजन से कैल्शियम तक लिख कर दिखाओ, सही तरीके से लिख कर दिखाओ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑन मॉलिक्यूलर वेट एंड एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट ही लिखो, मॉलिक्यूलर वेट मिल जाए या कहीं मोलर मास मिल जाए तो एक ही बात, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट एक ही बात, जब तुम एटम का वेट निकालते हो उसको बोलते हैं एटॉमिक वेट, वही एटम मॉलिक्यूल बन गया तो क्या बोलते हैं उसको हम, मॉलिक्यूलर वेट। चलो देखो तो सबसे पहले इसको करने से पहले सब अच्छे ध्यान देंगे, यहाँ पे हर एटम का वेट आपको याद होना चाहिए, चाहे रात को 2 बजे पूछ ले तब भी याद होना चाहिए, क्लियर। अगर मैंने बोला H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, ठीक है, तो क्या करना है, देखो बात समझ बच्चे, तो हाइड्रोजन कितना है, तो बोलेंगे दो हाइड्रोजन प्लस, सल्फर कितना है, एक सल्फर प्लस, ऑक्सीजन कितना है, चार ऑक्सीजन। अब सबका वेट याद होगा तो लिख देते हैं, तो दो इंटू एक प्लस, सल्फर का होता है 32, कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, ऐड कर लो आंसर 98 ग्राम, कितना 98 ग्राम, ठीक है। तो ये तो हुआ पूरा एटम का मॉलिक्यूलर वेट हुआ। अगर मैंने बोला कि बात समझना, अगर मैंने बोला कि एटम सोडियम लेते हैं, सोडियम का एटम 1123 है ना, ये एटॉमिक वेट है, कितना है इसका, ठीक है। अगर मैंने बोला कि Na2CO3, Na2 हम यहाँ दे दे रहे हैं, C का होता है 12, ऑक्सीजन याद ही है और आपको नाइट्रोजन सोडियम मैंने दे दिया, बताओ कितना होगा, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3। सोडियम, दो सोडियम है, 2 Na, एक कार्बन है और तीन ऑक्सीजन, तो सोडियम का होता है 23, तो 2 × 23 प्लस 1 × 12 प्लस 3 × 16 हो गया 46 प्लस 12 प्लस 48, कोई दिक्कत, तो 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 46 106 ग्राम, 106 ग्राम, कोई दिक्कत। चलो सब बच्चे निकाल के दिखाओ मुझे यहां पे CO2 का वेट जल्दी, कितना है सबका, हाँ 44, वेरी गुड। अगर मैंने बोला, अब बात समझना चाहिए, थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन हो गया ये, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, कैसे निकालते सुनो, इसको बोलेंगे एल्युमिनियम सल्फेट, क्या बोलना है इसको, एल्युमिनियम सल्फेट, पहली बात तो हम यहां लिख दे रहे हैं, एल्युमिनियम का होता है 27, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का आपको याद ही है, ठीक है। चलो
कितना एल्युमिनियम है? 2 × एल्युमिनियम प्लस हो गया। सल्फर अंदर कितना है? 1। कितना है? अब बाहर जो होगा दोनों के लिए बात, ये बाहर ऑक्सीजन के लिए भी है सल्फर के लिए भी है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। क्या करना है? 3 × 1 कितना हो गया? 3। तो 3 × सल्फर हो गया। ओके, प्लस ऑक्सीजन अंदर कितना है? 4। बाहर कितना है? तो 4 × 3 = 12 × ऑक्सीजन। चलो बताओ सब बच्चे, ये हो गया 2 × 27, 3 × + 12 × सब बच्चे आंसर करेंगे 27 × कितना? 50। 32 × 3 कितना? कोई दिक्कत? 16 × 12 कितना? कितना? 190। सब बच्चे आंसर कर लो जल्दी से। 96 + 54 कितना है? 150 हो गया, प्लस 192 मतलब 200 ऐड कर लो डायरेक्टली, 200 ऐड 350 हो जाएगा, 8 माइनस कर दो कितना हो जाएगा? 342 का। ठीक है, समझे कैसे निकालते हैं ना? क्या यहाँ पे किसी बच्चे को मॉलिकुलर वेट निकालने में दिक्कत है? सबको आ गया? बस अब क्या होना चाहिए? एटॉमिक वेट आपको याद होना चाहिए और कुछ नहीं उसके अलावा। क्लियर? किसी को डाउट है तो बोलो मुझे आगे। तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो फटाफट जो दे रहे हैं। तो ये सारे होमवर्क है आपके, ये मुझे कल तक आप सबमिट करोगे सॉल्व करके। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। जल्दी बैठो, हेडिंग दो आप, राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला।